भाइयों और बहनों, आज एक और बहुत बड़ी चुनौती है जिसका जिक्र मैं आप सभी किसान साथियों, हमारे इनोवेटर्स के सामने जरूर करना रहूं। आत्मनिर्भरता पर इतना बल मैं क्यों दे रहा हूं और खेती की, किसानों की इसमें क्या भूमिका है, ये हम सबको समझ करके मिशन मोड में काम करने की जरूरत है। आज सबसे अधिक खर्च जिन चीजों को आयात करने में हमारा होता है वो खाने का तेल है, फर्टिलाइजर है, कच्चा तेल है। इनको खरीदने के लिए ही हर साल लाखों करोड़ रुपए हमारे दूसरे देशों को देना पड़ता है। विदेशों में जब कोई समस्या आती है तो इसका बुरा असर हमारे यहां पर भी पड़ता है। अब जैसे पहले कोरोना आया, हम मुश्किलें झेलते झेलते दिन निकाल रहे थे, रास्ते खोज रहे थे। अभी कोरोना तो पूरा नहीं हुआ तो लड़ाई छिड़ गई, और ये ऐसी जगह जहां हम बहुत सी बातें वहां से खरीदते थे, जहां से ज्यादा हमारे पास जरूरतें थी, वही देश लड़ाइयों में उलझे हुए हैं। उन ऐसे ही देशों पर इन लड़ाई का प्रभाव भी ज्यादा हुआ है। अब खाद को ही लीजिए, यूरिया हो, डीएपी हो या फिर दूसरे फर्टिलाइजर, ये आज दुनिया के बाजारों में दिन रात इतनी तेजी से महंगे होते जा रहे हैं, इतना आर्थिक बोझ पड़ रहा है जो हमारे देश को झेलना पड़ रहा है। आज हम विदेशों से 75-80 रुपये किलो के हिसाब से यूरिया खरीदते हैं, लेकिन हमारे देश के किसान पर बोझ न पड़े, हमारे किसान उन पर कोई नया संकट न आए, जो 70-80 रुपये में हमारा यूरिया हम आज बाहर से लाते हैं, हम किसानों को 5 या 6 रुपये में पहुंचाते हैं भाइयों, ताकि मेरे किसान भाइयों बहनों को कष्ट न हो। किसानों को कम कीमत में खाद मिले, इसके लिए इस वर्ष, अब इसके कारण सरकारें खजाने पर बोझ आता है, कई कामों को करने में रुकावटें खड़ी हो जाती है। इस वर्ष लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपया केंद्र सरकार का सिर्फ ये यूरिया के पीछे हमको लगाना पड़ रहा है। भाइयों और बहनों, आयात पर हो रहे खर्च को कम करने के लिए, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम सबने मिलकर के संकल्प करना ही होगा, हम सबने मिलकर के उस दिशा में चलना ही होगा, हम सबने मिलकर के विदेशों से खाने के लिए चीजें लानी पड़े, खेती के लिए चीजें लानी पड़े, इसमें से मुक्त होने का संकल्प करना ही पड़ेगा। कच्चे तेल और गैस पर विदेशी निर्भरता को कम करने के लिए बायोफ्यूल इथेनॉल पर बहुत अधिक काम आज देश में चल रहा है। इस काम से सीधे किसान जुड़ा है, हमारी खेती जुड़ी हुई है। किसान की उपज से पैदा होने वाले इथेनॉल से गाड़ियां चले, और कचरे से, गोबर से बनने वाली बायोगैस से बायो सीएनजी बने, ये काम आज हो रहा है। खाने के तेल की आत्मनिर्भरता के लिए हमने मिशन ऑयल पाम भी शुरू किया है। आज मैं आप सभी किसान साथियों से आग्रह करूंगा कि इस मिशन का अधिक से अधिक आप लाभ उठाएं। तिलहन की पैदावार बढ़ाकर हम खाद्य तेल का आयात बहुत कम कर सकते हैं। देश के किसान इसमें पूरी तरह सक्षम है। दालों के मामले में जब मैंने 2015 में आपको आह्वान किया था, आपने मेरी बात को सर आंखों पे उठा लिया था और आपने करके दिखाया था, वरना पहले तो क्या हाल था।
हमें दाल भी विदेशों से लाकर के खानी पड़ती थी। जब हमारे किसानों ने ठान लिया तो देखते ही देखते दाल का उत्पादन लगभग 70% तक बढ़ाकर दिखा दिया। ऐसी ही इच्छा शक्ति के साथ हमें आगे बढ़ना है, भारत की कृषि को और आधुनिक बनाना है, नई ऊंचाई पर पहुंचाना है।